साथियों नमस्कार, सभी को राम राम। दोस्तों आज जब बात करेंगे एवरेस्ट फ्लिश के ऊपर बात करेंगे, जो भाई एवरेस्ट फ्लिश में गाड़ी चलाने के लिए सोचता है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। सारी डिटेल्स में कितने की गाड़ी आती है, क्या क्या रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, कितनी किराया है, कितना आपको ट्रिप्स करने हैं पूरे हफ्ते में और आपको कैसे ट्रेनिंग देना है, तो वो सारी चीज मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। प्लीज आप लोग ब्लॉग में बने रहना और चैनल में पहली बार सब्सक्राइब कर लेना आप लोग और वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी करते हैं स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, एवरेस्ट फ्लिश के मेरे पास डायरेक्ट नंबर भी है, आप लोग अपनी सूझबूझ के साथ गाड़ी ले सकते हो, लेने वाले को कोई मना नहीं कर सकता भाई, जो भाई बिल्कुल लाचार है। लेकिन एक यहाँ कंडीशन ये आता है कि आप लोग वहां पे एक बैरिगेट क्रिएट किया जाता है, जैसे भी जाते हो वहां पे, जब भी जाओगे, जब एवरेस्ट फ्लिश ऑफिस में गुड़गांव में है वहां पे क्या है कि वो सारी कंडीशन ट्रेनिंग में समझाया जाता है। तो अपनी सूझबूझ दिमाग के साथ आपको काम करना होगा, ठीक है दोस्तों। अब एवरेस्ट फ्लिश में काम करने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत है, देखिए सबसे पहले आपको NCR की होनी चाहिए परमिट, सॉरी NCR का लोकेशन होना चाहिए आपका, ठीक है, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, इस तीन लोकेशन से आपका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ठीक है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, या आप रेंटेड हो तो आपका रेंट एग्रीमेंट और बिजली बिल, ठीक है, एक ग्रेंटर का क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये तीन चार चीज तो आपको है, एक बैंक का चेकबुक भी लगेगा आपका, दो चेकबुक्स भी चाहिए वहां पे, ब्लैंक चेक मांगेंगे लोग, ठीक है। अब आते उसके बाद आपको कितने रुपए पे करना है, देखिए अभी मैं आपको बता दूं, इनके ऑफर आते रहते हैं, ठीक है, उनका ऑफर जैसे कि ये है कि पहले नई गाड़ी जैसे वैगनार ले हो या प्रेस्को लो या सेलेरियो लो, वैसे वैगनार या प्रेस्को ही देंगे ज्यादा आपको, जो भी आप कंडीशन लगते हो। तो वैगनार न्यू लेते हो आप तो 25,000 रुपए आपको देना पड़ेगा, ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये रिफंड होगा, इसकी किसी बात की गारंटी नहीं है, मैं अपनी वीडियो में भी बता रहा हूँ और आप मेरे से कॉल करके भी पूछ सकते हो, तो यही चीज बताऊंगा, किसी भी बात की कोई गारंटी नहीं कि आपको 25,000 रुपये रिफंड देंगे अगर उनके रूल्स को फॉलो करते हो तब भी, ठीक है, क्योंकि अक्सर केस में ड्राइवर को नहीं मिलता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि अभी कंपनी ने 12,000 रुपये में सेकेंड हैंड, मतलब गाड़ी जो कुछ चला होता है, कोई 10,000 चलाया, कोई 20,000 चलाया, कोई 25,000 चलाया, किलोमीटर वाली गाड़ी आपको प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद कुछ आपको ट्रिप स्लैब बनाएंगे, ठीक है दोस्तों, ट्रिप स्लैब क्या होगा वो उस पर भी मैं बताऊंगा आप लोगों को बारीकी से। तो आप लोग बस यही है कि गौर से पूरी वीडियो देखिएगा, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा भाई। और देखिए मेरे पास आपके सामने स्क्रीन भी आ रहा है, एवरेस्ट लीज का धमाका अब त्योहारों में शादियों के समय कम से कम डिपॉजिट पर गाड़ी पर लीज पे ले, ठीक है, दैनिक रेट 430 रुपये ये बता रहे हैं, 430 रुपये रेंट पर डे का बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस स्लैब में आपको जाने के लिए रात दिन दोनों कंटिन्यू रोड पर दौड़ना पड़ेगा, तब भी नहीं हो पाएगा, मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो एक ड्राइवर थे उसके साथ हुआ है ये बातें, तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखिए रेट स्लैब बाय स्लैब बटा है, अगर एक ट्रिप भी कम हो गया तो आपका किराया इसी रेट पे लगेगा, जैसे इन्होंने बता रखा है 85 ट्रिप करने पे रेंट 580 रुपये पर डे के हिसाब से लगेगा, ठीक है, 110 ट्रिप करने पर 500 रुपये पर डे का रेंट लगेगा, ये वीकली हिसाब होता है, उसके बारे में मैं आऊंगा अभी, 130 ट्रिप कंप्लीट करने पे 430 रुपये पर डे का रेंट है, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको कितना पे करना है, एस्प्रेसो के लिए LXI 10,000 रुपये, वैगनार के लिए 12,000 रुपये दोस्तों, है ना। इसके अलावा कंपनी की तरफ से हर मंथ आपको 48,000 की उबर की कमाई की न्यूनतम गारंटी भी है, मतलब इनका कहने का मतलब कि आप 48,000 रुपये हर महीने कमाने का गारंटी देती है उबर, ऐसा इन्होंने आपके सामने जो स्क्रीन पे चल रहा है ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, इसको पॉइंट टू पॉइंट समझना। दूसरी बात कि ड्यूटी आते ही आप स्लिप नहीं कर सकते दोस्तों, है ना, तो वो चीज भी आप समझना, 75% आपका एक्सेप्ट रखना है, मतलब अगर 100 में से लगभग 75 से 80 ड्यूटी जो आएगी वो आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे वो 100 रुपए का है, 50 रुपए का है, 80 रुपए का है, जो भी आए, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद 8% कैंसिलेशन रेट होना चाहिए, मतलब कंपनी जो उबर की कंपनी है वो 12% करती है, बट ये एवरेज फ्लीट वाले की जो टर्म एंड कंडीशन है वो 8% है, ठीक है, 8% ये कह रहा है।
और रही बात कि 8% हर कोई बंदा नहीं रोक पाता है इसको इस तरीके से, नहीं तो उसमें हो जाता है लोचा, है ना दोस्तों। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, और जो भाई इस रूल्स को फॉलो कर सकता है वो एवरेज फ्लीट को गाड़ी ले सकता है। लेकिन एक चीज मैं बताता हूँ आप लोगों को, जो भाई अगर एवरेज फ्लीट की गाड़ी लेने जाएगा अपनी सोच बूझ के साथ जाए, ट्रेनिंग प्रॉपर होगी, डीएम वहाँ बैठा होगा, उसके सामने सारी ट्रेनिंग होगी और आपको उसके बाद सारी डिटेल्स में बताया जाएगा कि हाँ ये चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे रूल्स को फॉलो करने हैं। वीकली इसका हिसाब होता है, मतलब सोमवार से लेके संडे तक काम करो, अगले सोमवार को आपको कॉल आ जाएगा, हिसाब भेज देंगे, मंगल को सुबह आपको पेमेंट कर देना किसी भी कीमत पर। नहीं करेंगे तो आपकी कैश ट्रिप ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। जो काम करेंगे आपको उबर आपके उबर के अकाउंट में जाएगा, पैसा आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। सीएनजी के पैसा आपको खुद लगाना है, कंपनी नहीं देती है सीएनजी का। गाड़ी का मेंटेनेंस कंपनी खुद कराएगी, किलोमीटर चेक होकर आपको गाड़ी मिलेगा, गाड़ी के अंदर जीपीएस लगा होता है, गाड़ी की हल्का 19-20 टूट फूट, हल्का 19-20 की मैं बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि किसी को तोड़ के दे जाओ कंपनी को, ऐसा नहीं, 19-20 अगर होगी तो आपको नहीं पे करना होगा। अगर ज़्यादा ही गाड़ी डैमेज करके आप देते हो उनको रिटर्न, या डैमेज करके लेके जाते हो सर्विस में देने के लिए, तो आपको चार्ज देना होगा, प्लस आपको 130 रुपये पर वीक के हिसाब से आपके इंश्योरेंस का चार्ज जोड़ा जाएगा, ठीक है। उसकी कुछ क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया क्या होता है कि 60 किलोमीटर का रेंज आपको दिया जाता है, आप उबर इंटरसिटी राइड नहीं कर सकते हो उबर फ्लीट की गाड़ी चलाते वक्त, ये दिमाग में आप बैठा लीजिए खोल के, उबर फ्लीट की गाड़ी आप चलाने के टाइम इंटरसिटी ऑन नहीं कर सकते। आपको 60 किलोमीटर दिल्ली के सेंट्रल दिल्ली में खड़े हो जाओ, आप सपोज कीजिए कि आप रेलवे स्टेशन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन खड़े हो, वहां से आपको 74 आप लोग 60 किलोमीटर कहां तक जा सकते हैं, इससे आगे जाओगे आपके नाम पे आरटीओ का 6,000 रुपये का पेनल्टी लगा दिया जाएगा। गाड़ी वो लोग ट्रैक करते रहते कि उसके अंदर जीपीएस लगा हुआ है, इंजन मोलियो सिस्टम है, जो वो अगर उससे आगे गए और उनको दिख गया कि जा रहा बंदा, तो पेनल्टी लगा गया, अगर पेनल्टी नहीं भरोगे तो गाड़ी आपका वहीं से स्विच बंद कर देगा, आपकी गाड़ी ऑफ हो जाएगी, इससे आगे आप नहीं जा सकते हो, तो ये चीज़ भी आपको कंडीशन है। गाड़ी को मेंटेन करना, गाड़ी 24 घंटे आपके पास रहेगी ये नहीं, गाड़ी की लिमिट पे गाड़ी चलानी है। अगर आप गाड़ी बाहर चलाते हो जैसे कि लिमिट से बाहर, जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा 60 की लिमिट है, दिल्ली एनसीआर में 60 की लिमिट है, अगर आप 60 से ऊपर जाते हो, कैमरे में कैच हो गई गाड़ी और नंबर प्लेट आने के बाद उसके चलान आते हैं, 2,000 रुपये पर चलान है रेड लाइट जंपिंग का, ओवर स्पीड का, तो ये भी आपको पे करना पड़ेगा, ये दिमाग में बैठा लेना, ये सारे इनके रूल्स है। अगर हो सकता है कि इसमें से रूल्स कुछ मेरे से छूट रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और जब आप ट्रेनिंग में जाओगे तो ये सारी चीज़ें बताया जाएगा, ठीक है, और एक एग्रीमेंट पर साइन कराया जाएगा, वो एग्रीमेंट के कागज़ आप मांगने की कोशिश करना, बट वो देते नहीं है। अगर आप मांग लेंगे तो आप श्योर हो कि भाई हम गाड़ी आपको लिए हैं, आपको वापस देंगे, तो ओरिजिनल पेपर आप उनसे ले लेना, फोटो कॉपी आपके पास रहेगी, कल को कोई भी विवाद होता है तो आप आपके पास 100% चीज़ें हैं, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। रही बात कि सिक्योरिटी डिपॉजिट की, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आप जमा करते हो तो आप को रिफंड नहीं मिलने वाला, इस बात पे भी ध्यान रखना आप, क्योंकि 90% ड्राइवरों के साथ ऐसा हो सकता है। और ये भी नहीं बताऊंगा, हाँ एक मेन पॉइंट आपको बताना मैं भूल ही रहा हूँ, आप सिर्फ उबर में ही गाड़ी चला सकते हो, ये आपको नियम को फॉलो करना पड़ेगा, उबर के अलावा आप गाड़ी दूसरे किसी कंपनी में नहीं चला सकते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगर आपने एवरेज फ्लीट की या उबर फ्लीट जिसको कहते हैं आप उनकी गाड़ी लेके चलाते हो रोड पे, तो उबर के ही ड्यूटी करनी पड़ेगी, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे जिस जंगल में भेजना जाना पड़े, आपको एक्सेप्ट रेट डाउन नहीं करनी, अगर एक्सेप्ट रेट भी डाउन करते हो तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर ये सब चीज़ फॉलो करते हैं तो मोस्ट वेलकम है एवरेज फ्लीट के अंदर, अगर आप जरा से भी मिसअंडरस्टैंडिंग की है तो पेनल्टी खाने के लिए भी तैयार रहिएगा आप लोग। तो मैंने दोनों चीज़, मतलब प्रॉफिट और लॉस, दोनों चीज़ मैंने आप लोगों को बताया है, ना कि किसी को डिमोटिवेट करना है, ठीक है, ना किसी को मैं मोटिवेट, एक हमारे साथ आप फैमिली जुड़े हैं, कुछ नए लोग हैं, कुछ पुराने, इस पर भी मैंने बारीकी से वीडियो बना चुका हूँ पहले, तो मेरा काम है कि आप लोगों को जागरूक करना,
अच्छी तरीके से सारी चीजें समझा पाना जो फुल फॉलोइंग है कंपनियों के अंदर। छुट्टी भी नहीं होगी, 24/7 में एक दिन भी छुट्टी आप नहीं ले सकते हो, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। छुट्टी लोगे तो रेंट तब भी आपको पे करना है, चाहे आप हफ्ते में 20 ट्रिप कर दो तो 1000 रुपये तक का भी स्लैब है इसमें, आपको ये दिमाग में रखना है। जब आप जाएंगे तो एक स्लैब आएगा, आपके ऊपर मैनेजर होंगे, बहुत सारी चीज़ें उनकी टर्म होती है, जो सारी चीज़ समझने के बाद आपको वहाँ पे समझ आएगी तभी यस करना। एक जोश जोश में गाड़ी नहीं लेना है, पहले वहाँ पे जाओ, जो आसपास के ड्राइवर उनसे पूछो क्या कंडीशन है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या करना है, उसके बाद गाड़ी लेना दोस्तों। उसके बाद आपको एक चीज़ और बता दूँ, और अपनी फीडबैक हमारी कमेंट के नीचे, हमारी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। जो भाई OMFV चला चुका होगा वो तो बिल्कुल डालेंगे, जो नहीं चलाया अभी नया आप देख रहे वीडियो, अगर आपको लेना चाहते हो तो आप ट्राई कीजिए, सेक्टर गुड़गांव में सुखराली में है, वहाँ पे आपको जा सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस कंपनी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना कि मैं आपको पैड प्रमोशन कर रहा हूँ, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। कल को आप मेरे पीछे पढ़ो कि भैया आपने बोला आप मैंने ले जाके ले लिए, इसकी हाथ जोड़ के विनती है, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे दिया है, ना कि आपको गाड़ी लेने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। बहुत लोग कमेंट आते हैं आप लोगों को, इसलिए मैंने आपके उस माध्यम से 2024 में मेरे फर्स्ट OMFV के ऊपर का वीडियो है, और हर एक टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो आता है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में बने रहे एंड तक, और ऐसी प्यार देते रहिए हर वीडियो का। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अपनी राय रखिए कोई भी चीज़ पे, अगर आप लोग किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे उस कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूँ, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।